नांदेड़ के असेंबली हलकों से कांग्रेस के टिकट के लिए सियासी हलकों में दौड़ो धूप तेज हो गई है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले नांदेड़ में पहली बार किसी मुस्लिम को असेंबली का टिकट दिए जाने का कवी इम्कान है। ऐसे में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों की जानिब से उम्मीदवारी के लिए पेशकदमी तेज हो गई है। खुसूसन कारपोरेटरों की जानिब से उम्मीदवारी के फॉर्म पार्टी की रियासती दफ्तर में जमा किए जा रहे हैं। पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान की जानिब से पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान उस मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की वजाहत की गई थी जो मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम वोट बैंक भी रखता हो। ऐसे में एमएलए के टिकट के दावेदारों में देखा जाए तो हलके नंबर 13 ऐसा वार्ड है जहां मुसलमान कारपोरेटरों को गैर मुस्लिम वोट भी हासिल हुए हैं। साबिर चौस ने अपनी 4 मरतबा की कामयाबी के दौरान तमाम समाज के वोटों को हासिल किया है। इन्होंने बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए कामयाबी हासिल की। ये साबिर चौस के तरक्याती और सामाजिक काम ही है कि इन्हें गैर मुस्लिम वोट भी हासिल होते रहे हैं। बल्दिया के हलके नंबर 13 के कारपोरेटर साबिर चौस ने भी एमएलए के टिकट के लिए कांग्रेस को दरख्वास्त दी है। साबिर चौस 4 मिकातों से बल्दिया उजमा में आवाम की नुमाइंदगी करते आए हैं। ऐसे में इनकी जानिब से दाखिल किए गए दरख्वास्त फार्म को हलके के आवाम हौसला अफजाई की नज़र से देख रहे हैं। अपनी सेकुलर छवि के लिए मशहूर साबिर चौस भी टिकट के लिए पुरउम्मीद हैं और आज़म जाहिर किया है कि समाज के तमाम तबकों को साथ लेकर ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दक्षिण मतदार संघ से मैंने पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई किया हूँ। आप लोगों का सभी का मुझे ताउन चाहिए और हम सब मिलके नगर सेवकों ने मशवरा करके सब ने मिलके जाकर साहब को भी मुलाकात किए हैं, तो साहब ने हमें ये बताया है कि आप लोग ग्रामीण के अंदर थोड़ा तवज्जो दो और वहाँ का भी तवज्जो देने के बाद में मैं आपका 1-8 दिन के बाद में आपका फीडबैक लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रामीण के ऊपर ध्यान दो। ग्रामीण के 3 सर्कल जो आते हैं उसमें 60 गांव आते हैं, उसके अंदर जाकर आप मुलाकात करो। सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद में 1-8 दिन के बाद में मैं आपको लोगों को फिर मिल के बात करूँगा उसके बारे में क्या है। तो इंशाल्लाह अगर से देना तो ज़रूरी है, क्योंकि साहब के दिल में ये है कि भाई मुस्लिम लोगों ने जो लोकसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो काम किया वोट दे के आप कोशिश करें साहब को अच्छे से जिताने की, पर क्या करते, वो वजह से साहब का इरादा है मुस्लिम को पूरे ज़िले में एक टिकट देने का।